राधे राधे साथियों, दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक ऐसे तीर्थ स्थल और मुक्ति धाम के बारे में जो अपनी सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्रियाकलाप की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। दोस्तों ये शहर हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्मों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अपनी पवित्र नगरी काशी यानी वाराणसी के बारे में। दोस्तों भारत की पवित्र कैपिटल नगरी काशी देश की राजधानी दिल्ली से 692 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व में मौजूद है। 163 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला यह शहर समुद्र तल से करीब 80 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यदि आपको यूपी में सड़कों पर चलते हुए गाड़ियों पर यूपी 65 लिखी हुई नंबर प्लेट दिख जाए तो समझ लेना कि आप बनारस की धरती पर कदम रख चुके हैं। यह शहर इतिहास के सबसे पुराने शहरों में से एक है जो लगभग 3000 साल से इसी जगह पर बसा हुआ है। भारत के हर व्यक्ति के मन में एक बार वाराणसी जाने की इच्छा जरूर होती है। पुराने समय में यह नगर गंगा घाटी का सबसे बड़ा नगर हुआ करता था। इस शहर में सूती का कपड़ा, रेशम एवं हाथी के दांतों से बनी चीजें प्रसिद्ध हैं। इस शहर को एक पवित्र धार्मिक नगर की नज़र से भी देखा जाता है। गंगा नदी बनारस से ही होकर बहती है, जहां लगभग 10 किलोमीटर तक नहाने के लिए जगह जगह पर सीढ़ियां आपको मिल जाएगी। दोस्तों धर्मनगरी होने के कारण बनारस की धरती पर करीब 4,700 धार्मिक स्थल मौजूद हैं, जिसमें से करीब 3,300 हिंदू मंदिर हैं। दोस्तों बनारस में हर साल 10 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ धार्मिक यात्रा करने के लिए आते हैं। बनारस की शांति एवं यहाँ की आध्यात्मिक एहसास हर धर्म के लोगों को यहाँ बुला लेता है। दोस्तों लाखों की संख्या में विदेशी सैलानी भी यहाँ घूमने के लिए आते हैं। बनारस में करीब 15 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से 70% आबादी हिंदू की और 28% आबादी मुस्लिम समुदाय की रहती है। दोस्तों बनारस अपनी बनारसी साड़ी की वजह से भी दुनिया भर में जाना जाता है। हजारों सालों से यहाँ सिल्क का काम इस शहर में किया जाता है। दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आप भी अपने शहर के बारे में ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।